कल जो 10 घंटे प्रतारित किया ना, पूरे बिहार ने देखा, इतिहास में दर्ज हुआ। जब ये सत्ता का चक्र पलटेगा ना, सब इसकी जद में आएंगे आज वाले। हमें तब भी अफसोस होगा, लेकिन हमें कहना पड़ेगा श्रीमान शुरुआत आपने की थी। आरजेडी के वरिष्ठ नेता और सांसद मनोज झा धरने पर बैठ गए हैं। लालू परिवार पर कसते ईडी के शिकंजे से वे भड़क उठे हैं और दो टूक अल्फाज में उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में ये भी कह डाला है कि जब सत्ता का चक्र पलटेगा तो आज वाले भी इसकी जद में आएंगे। आरजेडी सांसद मनोज झा की यह नाराजगी तब जाहिर हुई है जब बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ईडी के समन पर पूछताछ के लिए ईडी के दफ्तर में हाजिर हुए। तेजस्वी यादव से पहले सोमवार को लालू यादव से भी ईडी ने कई घंटे लंबी चली पूछताछ की थी, जिसे लेकर आरजेडी नेताओं और समर्थकों में खासी नाराजगी देखी जा रही है। आरजेडी का आरोप है कि केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है। आरजेडी नेता मनोज झा ने तंज कसते हुए कहा कि इस एजेंसी को ईडी नहीं बल्कि मोदी जी और अमित शाह जी कहा जाना चाहिए। अब पहली बात तो ईडी बेकार बोलते हो आप, मुझे कष्ट होता है। आपको सही शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए, बीजेपी, मोदी जी, अमित शाह जी, ऐसे बोलिए तो मुझे भी मजा आएगा, उन्हें भी मजा आएगा। कल जो 10 घंटे प्रतारित किया ना, पूरे बिहार ने देखा, इतिहास में दर्ज हुआ। जब ये सत्ता का चक्र पलटेगा ना, सब इसकी जद में आएंगे आज वाले। हमें तब भी अफसोस होगा, लेकिन हमें कहना पड़ेगा श्रीमान शुरुआत आपने की थी। एक और आरजेडी नेता ईडी और सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ जांच को सही बताया है। एक चीज बताइए, 1997 में किसकी सरकार थी? और लालू प्रसाद जी जब मुख्यमंत्री रहे तो चारा खा गए, और जब रेल मंत्री हुए तो बच्चों की नौकरी खा गए। तो इसका जांच तो होगा ना। जांच यदि जमीन किसी का लिखवाया, आप लोग मीडिया के साथी हैं, महुआ बाग चले जाइए, आपको जमीन भी दिखाई दे देगा। पटना में ऐसे और पूरे बिहार में हजारों बच्चे हैं जिनका लालू प्रसाद जी के परिवार के लोगों ने जमीन लिखवाने का काम किया, इसलिए जो जमीन लिखवाएगा उसको ईडी तो पूछेगा ही। आपको बता दें कि लालू परिवार के सदस्यों के खिलाफ लैंड फॉर जॉब मामले में पूछताछ चल रही है, जिसे लेकर उनके परिवार के अधिकतर सदस्यों को ईडी की ओर से समन जारी किया गया है। इसी सिलसिले में तेजस्वी यादव भी ईडी ऑफिस में पेश हुए। इस खबर में फिलहाल इतना ही, बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।